है हमारा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, जो बहुत मेजर पॉइंट है और यहां से अब हम अपने टैली की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने टैली के इंट्रोडक्शन को देखा कि कैसे टैली इंस्टॉल करते हैं, कैसे टैली पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और टैली की स्क्रीन का क्या क्या नाम है। अब तक हम लोगों ने सेकेंड लेशन में इस पर चर्चा करी। अब हमारा जो थर्ड लेशन है वो सीधे आता है कि अगर आप टैली के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले चुके हैं तो अब हम लोग चलते हैं एक कंपनी बनाते हैं। आप ध्यान करो कि जब आप सबसे पहले टैली के सेटअप पे आएंगे तो अपनी दुकान का नाम या अपनी कंपनी का नाम बनाएंगे। क्योंकि सेलेक्ट कंपनी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस समय कोई भी कंपनी पड़ी हुई नहीं है, तो हम क्रिएट कंपनी करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुलेगा। आप देखिए डायरेक्टरी का जो पार्ट है, यानी आप जैसे हम लोगों ने सेटअप जब किया था तो उस समय डायरेक्टरी चूज की थी कि हमारा जो टैली है वो सी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर में डेटा नाम के फाइल में जाकर सेव होगी। जो भी मैं यहाँ कंपनी क्रिएट करूंगा वो कहां पर जाकर सेव होगी, सी ड्राइव में एक टैली नाम का फोल्डर है, जहां पर डेटा नाम का एक और फोल्डर है वहां पर जाकर हमारी इस कंपनी का डिटेल जाके सेव होगा। यहां पर आप देखिए, मैं इस बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ, यहाँ हम लोगों ने क्लिक किया सी ड्राइव, टैली नाम का सेटअप है यहाँ पर, फोल्डर जो इस फोल्डर में एक डेटा नाम का फोल्डर है इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इतने सारे डेटा बना हुआ है, 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, ठीक। हम इसको रिमूव कर देते हैं, यानी अब डेटा नाम का जो फोल्डर है वो एकदम खाली है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंपनी बनी नहीं हुई है। जैसे ही हम कंपनी बनाएंगे तो इस डेटा में जाकर एक नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर इसलिए शो करता है ताकि कोई दूसरा यूजर उसको आसानी से पढ़ ना सके। 10,001, 10,002 इस तरह रहेगा तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि किस कंपनी का डेटा है और कोई आपकी कंपनी का डिटेल कॉपी या चुरा नहीं सकता है। आप चाहें तो यहाँ से पाथ लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर डी ड्राइव कुछ भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी चेंजेस हो सकते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट हमें जो कर्सर है वो नेम के सेक्शन में ही दिखाता है प्लांट। अब हमने नाम दिया अपनी कंपनी का DSITM, मेलिंग एड्रेस मतलब मिलने का पता DSITM, यहां अगर मैं टैब दबाता जा रहा हूं, जितनी बार आप टैब दबाते जाएंगे उतना यहां पर आपको एक टेक्स्ट लाइन खुलती जाएगी। आप एंट्री करते जाएंगे फिर टैब दबाएंगे फिर नई टेक्स्ट लाइन आपको खुलेगी। लेकिन मान लीजिए कि मेरा एड्रेस यहीं पर खत्म हो जाता है और अब मैं कुछ नहीं लिखना चाहता हूं, तो एक बार टैब और दबा देते हैं, टैब या इंटर। यहां पर कंट्री चूज करने का ऑप्शन देता है, लिस्ट ऑफ कंट्री, फिलहाल हम इंडिया में, इंडिया को ही चूज करेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड मैंने डाल दिया यहाँ पे 221, टेलीफोन नंबर नहीं है मेरे पास, ईमेल आईडी डालना चाहे एंट्री कर सकते हैं। करेंसी सिंबल चूंकि हमने इंडिया चूज किया था तो ऑटोमेटिक इंडियन की करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज है, तो ऑटोमेटिक ले लिया। अकाउंट्स किस तरह का होगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेकंड लेशन में कि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विद इन्वेंटरी में क्या अंतर है। अगर आप स्टॉक को रखते हैं, जैसे आप दुकानदार हैं, आप सेल्स करते हैं, आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको गोडाउन रखना होता है, स्टॉक रखना होता है। लेकिन हम एजुकेशन में हैं, अगर हम लॉयर हैं, अगर हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेशनल हैं, जिसमें हम सर्विस का पैसा लेते हैं न कि किसी प्रोडक्ट का, तो हम किस पर जाएंगे, अकाउंट्स ओनली पे। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर भारत में रखा जाता है कि वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अगले सेशन के 31 मार्च तक होता है, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। जैसे अगर आप अपनी कंपनी को आज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आज मतलब क्या, हम 2020 में हैं और आज डेट है 9 तारीख को मैं एक कंपनी ओपन कर रहा हूं, ठीक। लेकिन इसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन चलेंगे वो क्या होंगे, वो हमारा 1 अप्रैल 2020 है उससे लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी नियम भारतीय संविधान में लिखे गए हैं कंपनी एक्ट के अंतर्गत, उसी बिहार पर मुझे काम करना होगा। अब मान लीजिए कि हम 1 अप्रैल को अपनी कंपनी नहीं खोलते, हम आज खोलते हैं, तो भी हमें 1 अप्रैल के हिसाब से टैक्सेस को भरना पड़ता है, ठीक। उसी के हिसाब से हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर मैनेज किया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डेट बदलते वक्त अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ जो मैं डेट डालना चाहूँ क्यों नहीं दे रहा है। हम अपनी कंपनी आज खोल रहे हैं 9 तारीख, लेकिन आप यहाँ पर 9 तारीख एंट्री करेंगे 9, ठीक, तो ये डेट नहीं देगा। अब ये आगे बढ़ेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है,
क्योंकि आप कंपनी किसी मंथ में स्टार्ट करिए वो सिर्फ तीन ही डेट लेगा, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो इसलिए हमने 9 तारीख डाला हुआ है तो हमको पूरे महीने के टैक्स देने पड़ते हैं। हम इसको चेंज करते हैं, 1 तारीख डाल के देखते हैं, ये देखिए ले लिया। यानी आप डेट कौन सी डालेंगे, 1, 2 और 31, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। यहां पर जैसे फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज किया, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक वहां से स्टार्ट हो गया। ठीक, टैली वैल्यूड पासवर्ड, टैली वैल्यूड पासवर्ड में क्या सीन होता है, टैली वैल्यूड पासवर्ड का मतलब होता है, पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, अभी इसको समझते हैं वैल्यूड पासवर्ड को भी। यहां पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल अभी मैंने नो ही किया हुआ है। ये देखो बेस करेंसी सिंबल, बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक रुपीज आ जाता है। फॉर्मल नेम इसका क्या है, इंडियन रुपीज। अगर आप चाहते हैं, अब आपको पता है कि भारत में दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक पैसे मान्य होते हैं, जैसे 1 रुपया 99 पैसा हो सकता है लेकिन 1 रुपया 100 पैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए नंबर आप डेसिमल प्लेसेस कितना रखेंगे, 2 ही रखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्या इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, क्या आप चाहते हैं कि सिंबल जो यूज हो वो अमाउंट के साथ हो, जैसे 10 रुपीज। ये पूछ रहा है कि आप इस तरह चाहते हैं कि 10 और अमाउंट और इसके बीच में कोई गैप ना हो। ठीक, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो रखो। सिंबल ऑफ डेसिमल पोर्शन, दशमलव के बाद का जो सिंबल है उसको क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया में उसको पैसा बोलते हैं, कि 10 रुपए 99 पैसे, तो इसको हम क्या रखेंगे, पैसे ही लिखेंगे। सो अमाउंट इन मिलियन, क्या आप मिलियंस में अपने अमाउंट को दिखाना चाहते हैं, तो अभी मेरी कंपनी बहुत छोटी है भाई, मैं अपने अमाउंट को मिलियन में नहीं दिखाना चाहता हूं। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अब ये वो स्पेस पूछ रहा है कि जो अमाउंट आपने लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है 10 रुपए, तो इसके बीच में स्पेस देना चाहते हो, ऐसे इसके बीच में ऐसे स्पेस देना चाहते हो, अगर हाँ तो आप यहां पर क्लिक करिए और यहां पर ऑप्शन दीजिए यस, अगर नहीं देना चाहते तो नो लिख दो। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, अब आप क्या आप चाहते हैं कि जब आप प्रिंट करें अपना वाउचर प्रिंट करें, किसी को बिल दें, तो उसमें ये लिख क्या है कि 10 रुपया 99 पैसा। ठीक है, तो आप कितने वर्ड तक लिखना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 2 वर्ड हो जिसको वो वर्ड्स में लिखे, दशमलव के बाद, जैसे 10.99 है तो 10.99 2 वर्ड हुआ, तो हमने यहां पर मेजर किया कि हाँ वो लिखे अमाउंट इन वर्ड्स को लिखे दशमलव। अगर आप 1 वर्ड करेंगे तो उसी लिखेगा 10 रुपया 9 पैसा। ठीक, और हम फिर एंटर दबाते गए या टैब दबाते गए तो एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट यस और नो। ये सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि मेरी कंपनी सही तरीके से प्रॉपर वे में बनी है कि नहीं बनी है। अगर आपको ठीक लग रहा है सब कुछ तो मैंने किया यस, वाई दबा दिया शॉर्टकट के लिए, ये मेरी कंपनी बनकर रेडी हो गई। अब आप देखिए यहां पर करंट पीरियड बता रहा है कि आपने 1 तारीख 2020 को कंपनी बनाई है और 31 तारीख को 2021 में वो लैप्स हो जाएगी। ठीक, 1 साल का पीरियड आपको दिख रहा है। यहां पर 1 सितंबर 2020 दिखाई दे रहा है कि आपकी कंपनी किस दिन एस्टेब्लिश हुई, तो मैंने बताया 1 सितंबर 2020। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 1 साल का ये पीरियड जरूर दिखा रहा है लेकिन आपको ये 31 मार्च में ही आपकी कंपनी की क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, आपकी कंपनी 1 साल, क्योंकि भारतीय संविधान में 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है, ये बस आपको 1 साल का एक पीरियड मेजर कर रहा है क्योंकि कंपनी 1 साल का पीरियड देखती है। अब हमें ऑप्शन खुल गया है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स वाउचर। अब हम लोग आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। सबसे पहले हम लोग ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रुप किसको बोलते हैं अकाउंटिंग में और लेजर किसको बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अगर आप बिगनर, ठीक, पहली बार आप कोई टैली पर काम करने आ रहे हैं तो टैली पर करोगे क्या, टैली पर ऑब्वियस ही बात है सबसे पहले तो आप जैसे आप दुकान खोलते हो तो दुकान का क्या करते हो, दुकान का कुछ तो नाम देते हो ना, तो समझो मैं वहां पर दुकान खोल रहा हूँ जो मेरी कंप्यूटर पे खोल रही है, टैली के सॉफ्टवेयर पे खोल रही है। तो मेरी दुकान का नाम क्या था, TSITM। TSITM एक ब्रांड है, ठीक, एक दुकान का नाम है। TSITM करता क्या है, ठीक, करेगा क्या, सपोज करो TSITM कोर्सेज चलाता है। जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज चलाता है, तो एक ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ग्रुप किसको बोलेंगे, जैसे मैंने कहा TSITM यूनिवर्सिटी कोर्स भी चलाता है,
जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है उसको भी चलाता है, नाइलिप से अप्रूव्ड है, और किससे अप्रूव्ड है, जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चला रहे हैं, नाइलिप के कोर्सेज चला रहे हैं, और रेगुलर कोर्सेज भी ये चलाते हैं। ठीक, तीन क्या है, ये तीन एक ग्रुप है, तीनों क्या है, ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, ये TSITM एक कंपनी का नाम है, नेम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्रिएट अ कंपनी करेंगे, नई कंपनी बनाएंगे। कंपनी किस टाइप की है, इन्वेंटरी बेस्ड है, अकाउंट बेस्ड है, वो सेटिंग करते हैं। किस डेट में एस्टेब्लिश हुई, वो हमने सेटिंग किया। अब हमें देखना है कि कंपनी में क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले ग्रुप हमने बनाया। ठीक, तो ग्रुप में यूनिवर्सिटी ग्रुप, नाइलिट ग्रुप और रेगुलर ग्रुप, तीन तरह से हमने ग्रुप को क्लासिफाइड करा। यूनिवर्सिटी ग्रुप की अगर बात करें तो अब इसके अंदर क्या काम होता है, यूनिवर्सिटी मतलब क्या, जैसे इसको लिख दिया कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि अपने ग्रुप तो देखा लेकिन यूनिवर्सिटी मतलब क्या है। तो अब इसके नीचे का पर्सन कहलाता है लेजर, ये हो गया ग्रुप एंट्री, ग्रुप की एंट्री हो गई। ठीक, इस ग्रुप को हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होता है, जैसे जब आप अकाउंट खोलते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसके पूरे ऊपर हम बिजनेस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज में 23 कोर्सेज की मान्यता है, तो ये 23 कोर्सेज क्या हो गए, 23 कोर्सेज हमारा कैपिटल हो गया कि 23 कोर्सेज में हम एडमिशन कर सकते हैं। 23 कोर्सेज में एडमिशन करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, इवन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC भी नहीं रोक सकती है। तो ये इसीलिए हम इसको किसके अंदर डालेंगे, कैपिटल के अंदर डालेंगे। ये चीज आप बस एक बार इस चीज को अगर आप क्लियर समझ जाएंगे तो प्रैक्टिकल आपको बहुत इजी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी कोर्सेज हो गए, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में हमारे पास क्या क्या है, हम BA कराते हैं, हम BSc भी कराते हैं, हम BCA भी कराते हैं, हम MCA भी कराते हैं, हम MBA भी कराते हैं। ठीक, और भी कई कोर्सेज हैं जिसको हम लोग कराते हैं। ठीक, मान लीजिए कि MCA की फीस हमारी जो है 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए पर ईयर है। BA की फीस हमारी 3,000 रुपए है, BSc की फीस हमारी 7,500 रुपए है, BCA की फीस हमारी 22,000 रुपए है, MBA की फीस हमारी 30,000 रुपए है। ये क्या है, हमारी फीस स्ट्रक्चर है। ठीक, इतनी फीसेज हम चार्ज करेंगे। नाइलिट में हमारे पास कोर्सेज हैं, जैसे ये CCC है और ओ लेवल है। CCC कोर्स की फीस हमारी कितनी है, मान लीजिए 3,000 रुपए है। ओ लेवल कोर्स की फीस हमारी है 18,000 रुपए। ठीक, अब आ गया रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स हमारे पास क्या है, जैसे आप लोकल कोर्सेज करते हैं टैली, ऑटो कैड, टैली हो गया, ऑटो कैड हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, वेब हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे कोर्स हमारे क्या है, ये सब रेगुलर कोर्सेज है। तो मान लीजिए टैली का कोर्स की फीस कुछ है 2,000 रुपए हमने रखा, ऑटो कैड की फीस हमने रखा 3,000 रुपए, वेब डिजाइन की फीस हमारी है 4,000 रुपए और पाइथन की है 5,500 रुपए। ठीक, इस तरह से हमारे कोर्सेज क्लासिफाइड हो गए। तो इसको क्या बोलोगे, ये हो गया आपका लेजर। ठीक, मान लो कि अब यहां पर सारी चीजें इस पर क्लियर करते जाओ, तुरंत हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, आपको यही चीज प्रैक्टिकल पे एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। कि मान लीजिए कि जो TSITM कंपनी है उनके अंदर तीन ग्रुप चलता है, पहला ग्रुप हमारा यूनिवर्सिटी कोर्स है, दूसरा ग्रुप हमारा नाइलिट है, तीसरा हमारा रेगुलर कोर्सेज है। ठीक, ऐसे ही आप भी बनाएंगे, अपनी दुकान का बनाएंगे या अपने किसी भी कंपनी जो आप बनाना चाहते हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, उसका एक ER डायग्राम ऐसे बना लेना है कॉपी पर। यूनिवर्सिटी कोर्सेज में BA की फीस, ये सारी फीस हमने लिख दी, मेंशन कर दी। अगर हमारे पास अब तीन स्टाफ है, ठीक, तीन स्टाफ है, पहले स्टाफ का नाम है X1, दूसरे स्टाफ का नाम है X2, तीसरे का नाम है X3। ठीक, ये तीन हमारे पास क्या है, स्टाफ है। सपोज करो कि X1, X2 और X3, इन तीनों को मैंने किस ग्राउंड स्टाफ पर लगाया, काउंसलर है, ये तीनों लोग हमारे क्या है, काउंसलर है। जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो किससे मिलेगा, X1 से मिलेगा, X2 से मिलेगा और X3 से मिलेगा। ठीक है, X1, X2 और X3 से मिलेगा। X1 से काउंसलिंग करके मान लो कि उस स्टूडेंट की काउंसलिंग किसने की, ये कैसे पता चलेगा, तो
इसके लिए हम बनाते हैं बाउचर। सबसे पहले इन तीनों लोग के नाम पे हम एक बाउचर बनाएंगे, X1 बाउचर, X2 बाउचर और X3 बाउचर। जैसे वो स्टूडेंट पहुंचा इनके पास, इनसे बोला कि मुझे BA में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कंप्यूटर पे ऐसे बटन दबाया कि यस BA का एडमिशन फीस कितना है। तो जैसे ही इन्होंने देखा ऑटोमेटिक डेटा उठ के आया, इनको पता चला ये कोई भी स्टाफ हो, नया स्टाफ हो पुराना स्टाफ हो, आपने क्लिक किया इंटरनेट पे इनको तुरंत फीस दिखी, आपके टैली के सॉफ्टवेयर में फीस दिखी कितनी, 3,000 रुपए इनको BA की फीस दिखी। स्टूडेंट ने उनसे क्या कहा, स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है मैं इस कोर्स में एडमिशन लूंगा, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल 1,500 रुपए है, आप 1,500 रुपए डिपॉजिट कर लो, ठीक है, और बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। और इन्होंने 100 रुपए का डिस्काउंट भी कर दिया उनको, ठीक। इन्होंने क्या किया, ये एडमिशन 3,000 की जगह 2,900 रुपए में ले लिया और बाकी पैसा इन्होंने ड्यूज लगा दिया। अब जो बात इनके द्वारा हुई है, ठीक, वो चीज स्टूडेंट्स के पास एक रसीद पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी टेक्निकल रीजन से या किसी भी रीजन से ये स्टाफ छोड़ देता है, ठीक, इस स्टाफ ने TSITM ग्रुप को छोड़ दिया, क्विट कर गया, तो क्या होगा, अब ये जाके इनसे बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं मेरी X1 से बात हो चुकी थी, उन्होंने मेरा एडमिशन 2,900 पे किया है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, 3,000 फीस है तो 3,000 आपको देना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट है उसको तो दिक्कत भी ना, वो फिर कहेगा अरे यार बड़ा बेकार ग्रुप है, ठीक, ऐसा ग्रुप यहाँ पर एक बंदा छोड़ता है, मतलब इस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि इसने कभी बात कही थी और जब अब एडमिशन हो गया तो ये लोग धोखा दे रहे हैं मुझे, ठीक। इस चीज से बचने के लिए हमारे पास होता है बाउचर, वो सीधे वो X1 आ जाए, X2 आ जाए, Z1 आ जाए, Z2 आ जाए, स्टाफ कोई भी हो बदल जाए, लेकिन वो अपनी रसीद लेके आएगा TSITM के में, जो TSITM से अप्रूव होगी, TSITM का जो ओनर है उन्होंने देखा कि नहीं ये मेरा एक स्टाफ है X1 जो पहले था, उन्होंने ये पर्ची काटी है, और अगर ये पर्ची काटी है तो चूंकि इन्होंने ही इनको अपॉइंट किया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इनको उनकी सर्विस मिलेगी। इससे क्या होता है, क्लाइंट भी खुश होता है, जो स्टूडेंट है वो भी खुश रहेगा, और ओनर भी सेटिस्फाइड रहेगा कि ठीक है मेरा एक भी क्लाइंट नुकसान नहीं हुआ या वो मुझसे नाराज नहीं हुआ। इसीलिए कंपनियां काम करती हैं सर्विस इंडस्ट्री में। दूसरी चीज, X1 है, X2 है और X3 है, X1 है, X2 है और X3 है, ठीक। अगर ये बंदा रोज 50 एडमिशन करता है, ठीक, ये रोज 50 एडमिशन करेगा और ये 10 कर रहे हैं, ये 5 कर रहे हैं, तो कंपनी के ओनर को ये कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी ज्यादा काम कर रहा है, वो इसी बाउचर से पता चलेगा किसके नाम से बाउचर ज्यादा है। तो ये क्या कर सकते हैं, इस बिहाफ पर उनका प्रमोशन भी कर सकते हैं, इनको अच्छी सैलरी भी दे सकते हैं और इनको कम सैलरी देंगे, ठीक। तो ये सारा ही चीजें हमको चाहिए बेसिक बिगनर टाइप में। अगर आपकी कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, तो आप अपने कंटेंट को ऐसे ही मैनेज करेंगे। इतना काम अब हम लोग करने वाले हैं तो हम 3 चीजें पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और हमारे पास 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, यानी कंपनी तो हम बना चुके हैं, ठीक, कंपनी बनाने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में ये सारे लेजर की एंट्री करेंगे, लेजर की एंट्री करेंगे, उसकी फीसेज एंट्री करेंगे, फिर एक एक बाउचर बनाएंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करके देखेंगे। यानी अब हम एकदम फाइनल स्टेप में है टैली के, जो कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है, कोई भी दुकानदार करना चाहता है, जिसको अपने टैली के प्रोडक्ट, टैली पर अपने प्रोडक्ट को मेंशन करना है, तो अब हमारा ये लास्ट पोजीशन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है, हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, हमारे पास ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप मिला। तो सबसे पहले मैंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप 2 प्रकार का क्रिएट होता है, जैसे सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। सिंगल ग्रुप में क्या काम होता है, सेम सिंगल ग्रुप का मतलब आप एक एक करके ग्रुप बनाएंगे, ठीक, और मल्टीपल ग्रुप का मतलब आप एक साथ 3-4 एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंगल ग्रुप की बात करूं तो मैंने यहाँ सिंगल ग्रुप क्रिएट किया, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी कोर्सेज, यूनिवर, बस यूनिवर लिखता हूं आपको दिखाने के लिए। इसको मैंने कैपिटल इन अकाउंट में रखा, यहां पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। यस, आप टैब दबाते जाइए, अब देखिए एक एक करके, फिर मुझे यहां पर एंट्री करना है रेगुलर, REG, ठीक,
ठीक, कैपिटल अकाउंट, यहां मुझे कोई बदलाव नहीं करना, आप एंटर करते जाइए। यस, एक एक करके ग्रुप बन रहा है ये, इसको इसको बोलते हैं क्या, सिंगल ग्रुप। डिस्प्ले करना चाहो कि आप देखो कि नहीं मेरा ग्रुप बना है कि नहीं, तो यहां पे आप क्लिक करिए, देखिए रेग नाम का बना हुआ है, अभी हमने बनाया। फिर यूनिवर्सिटी, अब सर्च कर लीजिए यहाँ पे यू, ये देखिए यूनिवर, इसको मैंने बनाया। तो इस तरह से आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि हाँ मेरा ग्रुप बन रहा है कि नहीं बनता है। अल्टर हम लोगों ने देखा था, अल्टर का काम होता है एडिटिंग करना। अगर आप अल्टर करना चाहेंगे इस ग्रुप को, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, फिर आप इस पोर्शन पे ओपन हो जाएंगे। अब आर ई जी की जगह आर ई जी ई कर दिया, ये हो गया अल्टर। यस, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप एक एक करके कब तक ग्रुप बनाएंगे? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही सारा काम मल्टीपल ग्रुप में करते हैं। तो मैंने मल्टीपल ग्रुप ओपन किया, क्रिएट, एक ही बार मैंने ये सेलेक्ट किया कि किसके ग्रुप के अंदर में जाएगा, तो मैंने दिया कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ग्रुप बनाते हैं, यूनिवर्सिटी कैपिटल अकाउंट के अंदर में, फिर नाइलिट, फिर रेगुलर कोर्सेज। अब ये मैं यस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, मेरे पास तीन ग्रुप बन गए। देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए रेगुलर, ठीक, नाइलिट, और 11 और भी ग्रुप है, यू दबाइए तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी। इस तरह से हमने ग्रुप बना लिया है। अब ग्रुप बनाने के बाद फिर यहाँ पर मैं क्लिक करके अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ। ठीक, अब ग्रुप तो बन गया मेरा, लेजर एंट्री करते हैं। लेजर कैसे एंट्री करेंगे, ये देखो क्रिएट करते हैं मल्टीपल, सेम चीज कि सिंगल लेजर में आपको बार बार एक 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 ग्रुप का नाम डालो। जैसे ग्रुप का नाम मैंने डाला यहां पर यूनिवर्सिटी, यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सिंगल एंट्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये मैंने ग्रुप का नाम डाला, कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे भरनी पड़ेगी, एड्रेस भरिए, यूनिवर्सिटी का नाम भरिए, ठीक, यहाँ पे अपना अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए। तो इस तरह मुझे एंट्री करना पड़ेगा, और ये कितने का है तो यहाँ पे डाल दिए 3000 का। ऐसे करके हम लोग एंट्री कर सकते हैं सिंगल एंट्री में। लेकिन चूंकि आपको पता है कि अगर आप लेजर बना रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा लेजर है, ठीक, तो उसको मेंटेन हम यहाँ पे करते हैं मल्टीपल लेजर्स में। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एक ही बार मैंने सेलेक्ट किया, मान लो कि नाइलेट की कोर्सेज को। नाइलेट में मेरे पास कौन से कोर्स है, मेरे पास है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी कितने का है, मैंने कहा था 3000 रुपए। किस अकाउंट में रखते हैं, डेबिट अकाउंट। इसके लिए हम लोगों ने अपना लेशन वन का ट्यूटोरियल पूरा पढ़ा हुआ है, डेबिटेड ओ लेवल, ये हो गया एंट्री। इसको मैं डीआर अकाउंट में रखता हूँ। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ाया कि उधार में भी आप एडमिशन ले सकते हो, और डेबिट मतलब क्या होता है उसको हम लोगों ने लेशन वन में क्लियर किया हुआ है, ये हो गया यस। फिर हम क्रिएट करते हैं लेजर, किसमें, नाइलिट हो गया। अब रेगुलर कोर्सेज, मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे मेरे पास टैली है, टैली की फीस है 3000 रुपये, ऑटो कैड 5200 रुपये, ASP.NET 6000। अब मान लो कि मैंने सेव कर दिया इसको, आपको और एंट्री करना आप एंट्री कर लीजिए। यस, मैंने सेव कर दिया इसको। फिर मल्टीपल लेजर में हमने यूनिवर्सिटी कोर्सेज में एंट्री किया, यूनिवर्सिटी कोर्सेज मेरे पास है BCA कितने का, 22000, MCA 30000, MBA 30000, BA 3000, MA 12000। इस तरह करके हम लोगों ने अपने कोर्सेज को मेंशन कर लिया, ये हमारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज हो गए जिसमें हमारा ऑफिस काम करता है। अभी यहाँ पर अब देखिए, ग्रुप हमने बना लिया, लेजर बना लिया, अब क्या बनाएंगे, बाउचर। जैसे बाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर बाउचर क्रिएट करो, मैंने बोला था नाम क्या होगा, मान लो X1 है, X1 बाउचर, और X1 इन्होंने शॉर्टकट में रखा है। पूरा नाम इनका क्या है, मान लो कि इनका X1 का मैंने लिखा ये अकाउंटेंट है, अकाउंट देखते हैं, ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हो समझने के लिए। बाउचर, ये बाउचर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल थियोरी का देखेंगे, फिलहाल हम इसको यूज करते हैं क्योंकि आप बच्चे को क्या देंगे, रसीद देंगे ना, तो आप उसको रसीद देंगे तो हम इसको किस बाउचर में रखेंगे, रिसिप्ट बाउचर में, ठीक। तो इसका शॉर्टकट हो गया RCPT। यहाँ पर आपको कोई बदलाव नहीं करना है, बस ये एक कॉलम आपको बदलना है कि क्या आप चाहते हैं प्रिंट आफ्टर सेविंग बाउचर, क्या आप चाहते हैं कि जैसे ही बाउचर कोई सेव करे तो वो प्रिंट करे। हमने कहा यस, प्रिंट का ऑप्शन दे, ये मैंने
यस कर दिया। ठीक, एक पाउचर मैंने एक क्रिएट किया, दूसरा एक्स टू, इनको रोल दे दिया मैंने काउंसलर, बस ये काउंसल देखते हैं मेरा, शॉर्टकट मैंने लिख दिया खुद के समझने के लिए, इनको भी रिसिप्ट वाउचर ही दिया। यहाँ पर प्रिंट होगा, यस होगा, यस। फिर एक्स थ्री, अभी देखो एक्स थ्री जो है इसको चेंज करते हैं, ये रिसिप्ट वाउचर। मान लो एक्स थ्री वो पर्सन है जो एक्स वन और एक्स टू को सैलरी देता है, वो इनका बॉस है। ठीक, तो उसके लिए हम इनको कौन से बॉस में रखेंगे, इनको मैं रखूंगा पेमेंट वाउचर, क्योंकि ये पेमेंट देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने क्रिएट कर ली। डिस्प्ले करना चाहेंगे तो आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं, कौन कौन से वाउचर आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह पड़ेंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। अल्टर करना चाहेंगे तो अल्टरेशन भी आप कर सकते हैं, अगर एक्स वन को अल्टर करना है तो आप यहाँ पर जाकर, कोई भी चेंजेस करना है तो आप इजिली यहाँ पर जाकर बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई अल्टरेशन नहीं करना है। अब मान लीजिए कि अब हम आते हैं अपने स्टार्टअप पे, ग्रुप बन गया, लेजर बन गया और वाउचर का टाइप भी क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मतलब ये पोर्शन हमारा क्लियर है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। अकाउंट इन्फॉर्मेशन का कंटेंट क्लियर होते ही हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में। क्यों? क्योंकि अब मान लो कोई स्टूडेंट आया जिसको एडमिशन लेना है, वो यहाँ पर आया, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में, अब यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट वाउचर, आपको पता है पेमेंट वाउचर मैंने किसको बनाया था, सिर्फ एक्स थ्री को। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर पेमेंट वाउचर पे मैं रिसिप्ट वाउचर पे आता हूँ, रिसिप्ट वाउचर मेरे पास एक्स वन है एक्स टू है। ठीक, मान लो कि एक्स वन ने एडमिशन किया, एक्स वन ने एडमिशन करा, एक्स वन का एडमिशन का अकाउंट बैलेंस कितना है, जैसे मैंने एक्स वन को एडमिशन करना है तो उनका अकाउंट किस तरह से मैनेज करेंगे, कैश एडमिशन करेंगे वो। ठीक, अब वो अगर स्टूडेंट ने कहा कि सर या मैडम मुझे बीए में एडमिशन लेना है, एक्स वन को पता नहीं है कि बीए की फीस कितनी है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बीए की फीस देखी। ठीक, उन्होंने देखा कि यस बीए तो अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 3000 का, दिख रहा है कि करेंट बैलेंस कितना है, 3000 रुपये मेरे पास क्रेडिटेड है, और इन्होंने 1500 रुपये पर एडमिशन लिया। स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास 1500 रुपये है, इन्होंने जमा कर लिया। अब इनके पास 4500 रुपये क्या हो गया, क्योंकि 1500 रुपये इनके पास ऐड हो रहा है। ठीक, ये देखो नरेशन, नरेशन में ये बस लिखना है कि मान लो कि इन्होंने 2900 में एडमिशन हुआ है, इन्होंने लिखा एडमिशन डन 2900 में। ठीक, ड्यू इज, चूंकि 1500 ने दिया है तो 1400 रुपए इनका ड्यूज है। कब, जब, अगर इन्होंने कहा कि मैं 20 दिन बाद डिपॉजिट कर दूंगा, तो मैंने लिखा टाइम 20 डेज। ठीक, अदरवाइज 2 रुपए पर डे फाइन। ठीक, ये एक हमने नरेशन डालनी है, ठीक, ताकि कभी भी रिसिप्ट लेके आएगा बंदा तो एक्स वन अगर नहीं भी मिले, उनकी जगह कोई भी मिलेगा तो वो पढ़ के ही समझ जाएगा कि क्या करना है। ये मैंने यस किया, ये प्रिंट होने का ऑप्शन है, मैंने कहा यस प्रिंट करना है मुझे, मेरा प्रिंटर इस समय कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और इस वाउचर का नाम देता हूँ, उस स्टूडेंट के नाम से सेव करता हूँ। अगर स्टूडेंट का नाम है राम तो मैंने इसके नाम से यहाँ पर सेव कर लिया। अब देखो ये है राम नाम का वाउचर जो क्रिएट हो चुका है, दिखने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको। कंपनी का नाम ऊपर दिखेगा TSITM मऊ मधुबन, वाउचर किसके द्वारा काटा गया, एक्स वन के द्वारा। इससे TSITM के मालिक को पता रहेगा कि कौन एडमिशन किया है, उसको पता है एक्स वन कौन है। पहला रसीद उन्होंने काटा है, नंबर रसीद आप पहला, डेट पड़ी हुई है यहाँ पर, बीए में 1500 का एडमिशन हुआ है, 1500 रुपये उन्होंने लिया है, लेकिन कैसे लिया है, कैश लिया है। यहाँ पर एक नरेशन लिखा रहेगा कि एडमिशन डन 2900, ड्यू इज 1400, टाइम 20 डेज, जो नरेशन मैंने वहां दिया था 2 रुपए के हिसाब से फाइव। अगर अब फिर इसको प्रिंट मार के आप यहां से भी प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शन देगा आपको, आपका प्रिंटर अगर कनेक्ट होगा तो आप यहाँ पे प्रिंटर को कनेक्ट करिए और यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। फिलहाल मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसलिए वो प्रिंट नहीं लेगा। ठीक है, ये प्रिंट करिए और यहाँ पर अपना मोहर लगा के आप सामने वाले पर्सन को रसीद दे सकते हैं। तो यही तरीका होता है टैली में वाउचर क्रिएट करने का। तो आई थिंक दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ वाउचर। अब वही काम जो हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में किया है, वही काम अगर इन्वेंट्री में करेंगे तो इन्वेंट्री में बस हमें क्या मिलेगा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर,
इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंपनी को, अगर आप मान लीजिए एक कंपनी यहाँ बन गई TSIDL, इसमें कुछ चीज आप फिर से बदलना चाहते हो, चाहे आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हो या ये जो डेट है इसको बदलना चाहते हो या फिर चाहते हो कि इस कंपनी को हम डिलीट ही कर दें, ठीक, तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ कंपनी। तो अगर आपको बैक में जाके फिर से कंपनी की सेटिंग कुछ करनी है तो आपको यहाँ पर जाकर कंपनी की इंफॉर्मेशन पर क्लिक करिए, यहां पर क्लिक करिए एल्टर। जब आप एल्टर करेंगे तो पूछेगा कि किस कंपनी को आप एल्टर करना चाहते हैं। अल्टर मतलब वही आप उसके ऊपर एडिटिंग करना चाहते हो। अगर आपके पास 4-5 कंपनी यहां पर रहेगी सबकी लिस्ट खुलेगी। मान लीजिए मैंने एक ही कंपनी बनाई है TSIDM के नाम से, तो इस पर हम अल्टर करना चाहते हैं। अब देखिए हम अपने फिर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हमने कंपनी को क्रिएट किया था TSIDM। यहां पर जैसे विराम खंड लिखा हुआ है, मैंने चेंज किया इसका, टैब दबाया और लखनऊ की जगह मैंने किया मऊ, एड्रेस फिर मैंने किया मधुबन। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप जो भी चीजें चेंज करना चाहो आप बदल सकते हो। एक चीज हम लोगों ने वहां पर और छोड़ी थी, यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल, जो अब हम समझते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है। पहले तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, मैंने कहा यस मैं सिक्योरिटी कंट्रोल चाहता हूं। इसने पूछा कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या रखोगे। मैंने सोचा कि ये जो सिस्टम है जब इसको कोई ओपन करे तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम मैं लिखूंगा TS, ठीक, मैंने TS का T कैपिटल और S स्मॉल रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड मैंने डाला 1234, ठीक, रिपीट करते हैं पासवर्ड 1234, आप कुछ भी डाल लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि टैली में ऑडिटिंग फीचर्स हो। ऑडिट फीचर्स का मतलब ये होता है कि कितना आपने कमाया, कितना आपने अपने ऊपर के डीलर्स को दिया, कितना आपने रेंट दिया, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग फीचर। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये हो, तो मैंने कहा यस ये मुझे चाहिए, ठीक। इतनी मैंने चीजें चेंज करी सिक्योरिटी कंट्रोल में, इतनी चीजें हम लोगों ने चेंज करी और हमने टैब दबाया और फिर अपनी कंपनी को सेव किया। वाई, अब जब भी कोई कंपनी ओपन करेगा, यहां पे जैसे ही कोई कंपनी को ओपन करेगा, सेलेक्ट अ कंपनी, देखिए मेरी कंपनी की आईडी क्या है, 10,000, ठीक। आप देखिए अभी टैली में जो हम लोगों ने देखा था सी ड्राइव टैली और डेटा में ये 10,000 नाम का एक फाइल बन गया। ये नहीं लिखा हुआ है TSIDM, क्यों, क्योंकि TSIDM होगा तो कोई भी पर्सन ये इजी वे में समझ जाएगा, अरे अगर उसको TSIDM का डेटा चुराना है तो यहां से वो पेन ड्राइव लगाएगा, पूरा डेटा यहां से सेंड करके अपनी पेन ड्राइव में ले लेगा या कॉपी कर लेगा, ठीक। तो इसलिए यहां पर नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है कि मेरी कंपनी का नंबर क्या है, ठीक। ये टैली में एक फीचर दिया हुआ ताकि आपकी आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो। अब हम यहां पे टैली से क्विट करते हैं, मैंने यहां से क्या किया, क्विट किया, यस मैं क्विट करना चाहता हूं। क्विट करने के बाद अब मैं फिर से इसमें एंट्री कर रहा हूं, ओपन किया, एक्टिवेशन फॉर्म आया, मैंने यहां से कंट्रोल एम या फिर क्लोज कर दिया। अब देखिए अभी हमने पासवर्ड लगाया था वहां पर, ठीक है। अब जब भी कोई पर्सन बिना आपकी मर्जी के आपका टैली का ओपन करना चाहेगा तो उसको यूजर का नाम और एडमिन का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यूजर लिखा, कंपनी का नाम है TSIDM, मैंने TS यूजर नाम दिया था, पासवर्ड में डाला था 1234, ये एंटर यानी खुल गया। पासवर्ड किसी ने अगर गलत डाला तो वो वहां पर ओपन नहीं होगा, उसको भी देख लेते एक बार। फिर मैं क्विट करता हूँ, यहां से फिर हम लोग एंट्री करते हैं, इसको हटाते हैं, ये है TS, पासवर्ड मैंने गलत डाला 9876, नहीं ओपन हुआ, यानी वो ओपन नहीं होने देगा जब तक उसका यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं पड़ेगा। मैंने सही पासवर्ड डाल दिया, अभी ये ओपन हो गया। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, यानी आप अपने अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं ये आपका एम्प्लॉय, आपका यूजर, आपका लैपटॉप छूकर ये देख नहीं सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। अब एक और ऑप्शन था टैली वैल्ड पासवर्ड। वैल्ड पासवर्ड का मतलब क्या होता है, अब हम नई कंपनी बनाते हैं वहां देखते हैं। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें सर्ट कंपनी पर क्लिक करना है, यहाँ सर्ट कंपनी पर क्लिक किए, फिर से वही ऑप्शन, फिर से हम क्रिएट पर जाते हैं और एक कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं, MI एड्रेस MITM, ठीक है, इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड, ये सब मैं अभी छोड़ता हूँ, इसको भी मैंने अकाउंट ओनली पे रखा।
डेट एज इट इज मैं उठा लेता हूँ, या फिर डेट आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं। ये देखिए, ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये वैल्ड पासवर्ड, ये क्या है? अभी जो हमने चेक किया था यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में, सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब आप एक एग्जांपल से ये समझिए कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक, या आपका लैपटॉप है, आप मोबाइल फोन को जब ओपन करते हैं तो उस वहां पर एक पासवर्ड लगाते हैं। उस पासवर्ड में चाहे आप पैटर्न लगाते हैं, चाहे आप वहां पर कोई भी पैटर्न लगाइए, या आपने कोई नंबरिंग की जैसे 1 2 3 4, यूजर आपके मोबाइल को एक्सेस कर लिया अगर उसको पासवर्ड पता है तो वो पासवर्ड कौन सा होगा? वो पासवर्ड कहलाता है टैली, वो वर्ल्ड पासवर्ड होता है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है कि टैली या आपका मोबाइल खोलने से पहले ही जो पासवर्ड मांगेगा उसको बोलते हैं वर्ल्ड पासवर्ड, ठीक। लेकिन अगर उसने मोबाइल एक्सेस कर लिया, फिर आपने अपना व्हाट्सएप पर दूसरा अपने व्हाट्सएप को लॉक किया, ऐप लॉकर आपने यूज किया हुआ है जिसमें आपने व्हाट्सएप को लॉक किया हुआ है, उसको उसका दूसरा पासवर्ड बनाया है, आपने अपने फेसबुक को लॉक किया हुआ है, मतलब आप एक एक करके अपने सारे फोल्डर्स को लॉक किए हुए, ठीक। तो यानी मोबाइल के अंदर तो घुस गया, वो फोन यूज कर सकता है, वो आपके फोन पिकअप कर सकता है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट नहीं दे सकता आपके, क्योंकि आपके डेटा पर दूसरा पासवर्ड लगाया हुआ है। सेम चीज यहां भी हो रही है कि जब आप टैली वैल्यूड पासवर्ड डाल देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यानी आपका जब भी कोई टैली खोलेगा तो वहां पासवर्ड मांगेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर मान लीजिए 5 कंपनी है, जैसे अभी मैं दूसरी कंपनी बना रहा हूं MITM के नाम से, ठीक, तो अगर कोई यूजर ओपन करेगा टैली तो अगर उसको वैल्ड पासवर्ड मालूम है तो वो ओपन तो कर लेगा, लेकिन MITM पर वो अगर उसको MITM का सिक्योरिटी पासवर्ड मालूम होगा तो वो उसको ओपन करेगा, लेकिन TSITM नहीं खोल पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने TSITM का पासवर्ड नहीं डाला, ना उनको पता है। मैं नया यूजर हूं और मैंने आपके सेटअप पर एक नई कंपनी बनाई, मैंने इसका वर्ल्ड पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, फिर मैंने 1 2 3 4 5, क्या आप सिक्योरिटी कंट्रोल यूज करना चाहते हैं? यस, यानी MITM भी सिक्योरिटी कंट्रोल चाहता है। अब यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में दिया MI कैपिटल में, MI पासवर्ड यहां पे भी मैंने डाला 1 2 3, यहां पे डाला 1 2 3। ऑडिट फीचर्स चाहते हो? यस चाहता हूं। अब बाकी चीजें क्लियर हैं? यस। ये देखो, अब कोई पर्सन टैली में एंट्री ही नहीं कर पाएगा। मतलब अब तक तो हम कंपनी तक और उसके बैकग्राउंड तक पहुंच जाते थे, लेकिन जिसको वैल्ड पासवर्ड नहीं पता होगा, यानी ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, वही जो आप फोन के मेन स्क्रीन पर लगाते हो, ठीक, पैटर्न पासवर्ड, अगर वो पता होगा तो आपके टैली को तो कोई यूज कर लेगा। चलो मुझे पता है, मान लो मैंने क्या डाला था 1 2 3, सॉरी मैंने क्या डाला था वहां पे 1 2 3 4 5। ये देखो, अब पूछ रहा है कि आप कंपनी का पासवर्ड बताओ, तो MITM, तो मैंने लिखा यहां पे MI पासवर्ड 1 2 3, ये ओपन होगा। अब ये हो गई ओपन MITM की दूसरी कंपनी। तो यहां पर देखिए, अब इस समय सब कंपनी में मुझे कौन कौन सी कंपनी दिखाएगा? एक पासवर्ड एक दिखा रहा है ये, क्योंकि अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैंने वर्ल्ड पासवर्ड लगा दिया था, उसकी ID बन गई 10001। डेटा में जाके देखिए, सी में जाइए, टैली में जाइए, डेटा पर जाइए, यहां पर देखो 10001 नाम से एक फाइल बन गई। लेकिन इसको मैंने दो सिक्योरिटी लगाया है इस पे, एक तो इसका वर्ल्ड पासवर्ड भी लगाया है इसलिए इसकी आईडी यहां पर दिखेगी नहीं, और ये भी इस पे जो है एक ही सिक्योरिटी लगा हुई है, जब इसको कोई ओपन करेगा तो जैसे ही ओपन करेगा यहां पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है TS, सॉरी यूजर नेम है TS और 1 2 3 4, यानी कोई भी दूसरे की कंपनी ओपन नहीं कर सकेगा, ये यहां पर सिक्योरिटी दी गई है। तो इसमें अब आप कंपनी को, सपोज करो आप किसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, ये तो हमने अल्टरेशन बताया, डिलीट कंपनी का ऑप्शन क्या है? फिर हम कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, अल्टर पे आते हैं, या पहले क्रिएट ही कर लेते हैं कंपनी, उसको हम डिलीट करेंगे। W नाम से मैंने कंपनी बनाई, मैंने कोई चीज नॉर्मली देखो, मैं कोई सेटिंग नहीं कर रहा क्योंकि सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। एक W नाम की कंपनी है मेरे द्वारा बन गई, ये हो गया। अब यहां पर 3 कंपनी दिखाएगी, ठीक है, यहां पर कितनी कंपनी दिखा रही है? W, TSITM और एक ये, ठीक। मुझे एक कंपनी डिलीट करनी है W को, तो इसके लिए हम अल्टर पे जाएंगे, यहां से W को क्लिक किया और इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमने Alt+D दबाया,
एल्ट प्लस डी और ये पूछेगा क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस, आर यू श्योर, यस, ये हो गई डिलीट, डब्ल्यू नाम की कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये तरीका है कंपनी को क्रिएट करना, एल्टर करना और डिलीट करना। अब हम थोड़ा सा अपने इस कंपनी में बदलाव करते हैं, पहले इसको एक्सेस करते हैं। अभी मेरे पास इस समय दो कंपनी है, एक को हमने डिलीट कर दिया और एक कंपनी ये हमें दिख रही है, लेकिन दोनों में मैंने सेटिंग क्या कर रखी है, दोनों कंपनी को मैंने अकाउंट्स ऑनली बना रखा है। अब एक कंपनी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये TSITM जो कंपनी है इसमें एक स्क्रीन खुलेगी गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पूरे टैली की समझो मास्टर बॉडी है या जान है, ठीक है, हार्ट है ये टैली का, जहां पर सारा काम आपको होना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, और जो गेटवे ऑफ टैली है उसको चार सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन होता है मास्टर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है ट्रांजैक्शन सेक्शन, तीसरा इंपोर्ट, चौथा रिपोर्ट। तो जो हम लोग बेसिक टैली, अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं तो हमारा सारा काम मास्टर और ट्रांजैक्शन में हो जाने वाला है। इंपोर्ट और रिपोर्ट्स की जो बात है, इंपोर्ट और रिपोर्ट अगर आपके पास एक्टिव लाइसेंस है और आप प्रोफेशनल कॉर्पोरेट यूजर हो तब आपको ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट और रिपोर्ट्स की। फिलहाल जैसे अगर हमारा एक बेसिक दुकान है जिसमें अगर मान लो कि आपकी बिस्किट की दुकान है और आप हर दिन अलग अलग ब्रांड की बिस्किट मंगाते हैं, सपोज करो कोई पार्ले का बिस्किट मंगाता है, ठीक है, कोई कोकोनट मंगाता है, या अदर भी नाम है बिस्किट्स के जो आप अलग अलग ब्रांड्स के बनाना चाहते हो, तो होता क्या है इसमें हम लोग स्टॉक मैनेज करेंगे, और अगर हर बिस्किट की कीमत अलग, 4 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का पैकेट, वो सब ये हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर कोई कस्टमर आपसे बिस्किट खरीदता है तो आप उसको उस बिस्किट का बिल देंगे, ठीक, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ किसने किसको कितना बेचा है। खैर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, इसको हम लोग अभी समझेंगे, व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे, हम प्रैक्टिकल सेशन में अभी देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में बस हम आपको ये बता रहे हैं कि जो गेटवे ऑफ टैली है यही आपका टैली का हर्ट है, की है, इसको जो चार सेक्शन में डिवाइड किया गया, मास्टर, ट्रांजेक्शन, इम्पोर्ट और रिपोर्ट। और अगर आप स्टूडेंट लेवल पे है तो आपको ये दो चीजों को ही पढ़ना है, मास्टर सेक्शन, ट्रांजेक्शन सेक्शन। इम्पोर्ट और रिपोर्ट हमारी एडवांस चीजों में आ जाती है, जैसे जो CA हैं या जो जिन्होंने BCOM MCOM कर रखा है, जो इसको अपना कोर बनाना चाहते हैं वो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक सेटिंग हम और बदलेंगे, उसमें क्या बदलेंगे, जैसे TSITM को हम रखते हैं ऐसी कंपनी जो सिर्फ अकाउंट ऑनली पे काम करेगी, और दूसरी कंपनी, यहाँ पे हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, अल्टर करते हैं ये TSITM को, इस कंपनी को हमने किया अकाउंट्स विद इन्वेंट्री बेस। अभी देखो बस इन्वेंट्री कर दिया मैंने, जैसे ही मैंने इन्वेंट्री किया अब हमारे गेटवे ऑफ टैली में बदलाव क्या हुआ, मास्टर सेक्शन में दो ऑप्शन बढ़े, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। पहले ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन नहीं था, ट्रांजेक्शन में भी एक ऑप्शन बढ़ा आपका इन्वेंट्री वाउचर्स का, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, यानी सेक्शन नहीं बदले, मास्टर सेक्शन, ट्रांजेक्शन सेक्शन, इम्पोर्ट और रिपोर्ट, फिर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमारे पास रहेगी, ठीक। अब हमारी जो कंपनी है वो कैसी है, वो इन्वेंट्री बेस्ड भी है, अब इसमें हम दोनों तरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स ऑनली पर और चाहे हम इन्वेंट्री बेस्ड पर।